The Dawn Express. Aina Sashka. आपका स्वागत है। आशा है आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। लॉकडाउन के बाद जब से माँ विंध्यवासिनी का मंदिर खुला है, आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर विवाद हो रहा है। मंदिर पर कुछ पहले जिस व्यक्ति से मारपीट हुई थी, उसी युवक ने बुधवार की रात बड़ी आरती के समय मंदिर के बड़े श्रृंगारिया शिव जी के ऊपर जलता हुआ दीपक फेंक कर जानलेवा हमला किया। इससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। श्रृंगारिया व पंडा समाज के लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई ना कर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया है। मां विंध्यवासिनी मंदिर के प्रधान श्रृंगारिया शिवजी प्रतिदिन की भांति 10 बजे के करीब मां विंध्यवासिनी की बड़ी आरती के लिए मंदिर पर गए थे। इस दौरान वहां मौजूद युवक ने उनके ऊपर जलता हुआ दीपक फेंक कर जलाने की कोशिश की। जब तक लोग कुछ समझते हुए वहां से भाग गया। प्रधान श्रृंगारिया शिवजी ने बताया कि आरोपी युवक प्रतिदिन रात को बड़ी आरती के समय ही आता है और सबको परेशान करता है। बीते कई दिनों से वह मंदिर पर उनके शिष्यों के साथ मारपीट कर रहा है। जम्मू कश्मीर में भाजपा नेताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अब कुलगाम जिले में भारतीय जनता पार्टी के सरपंच सज्जाद अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घर के बाहर ही सरपंच सज्जाद पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की। इस गोलीबारी में वह घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। गत जुलाई महीने में आतंकवादियों ने बांदीपोरा में भाजपा नेता वसीम बारी की हत्या कर दी। आतंकवादियों के इस हमले में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बारी और उनके परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई। आतंकवादियों ने सज्जाद को कुलगाम के वेसु स्थित उनके आवास के बाहर निशाना बनाया। वहीं अगली खबर, अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म किए जाने की पहली बरसी पर भाजपा नेता रोमिसा रफीक ने बुधवार को लाल चौक के बीचों बीच तिरंगा फहराया। रफीक भाजपा की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली शुरुआती नेताओं में शामिल रही। बाद में जम्मू और कश्मीर की राज्य इकाई के उपाध्यक्ष सोफी मोहम्मद यूसुफ सहित अन्य भाजपा नेताओं ने विभिन्न स्थानों पर झंडा फहराया। रफीक ने कहा कि उन्होंने यह संदेश देने के लिए झंडा फहराया कि कश्मीरी लोग भी अनुच्छेद 370 को रद्द करने के पक्ष में हैं, जिसने देश के साथ जम्मू कश्मीर के संबंधों को विस्तार दिया है और मजबूत किया है। उन्होंने कहा, अनुच्छेद हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर की महिलाओं ने अधिक सशक्तिकरण और स्वायत्तता प्राप्त की है, जबकि निर्माण और विकास के नए रास्ते खुल गए हैं। जो अलगाववादी नेता कश्मीर में हड़ताल का आह्वान किया करते थे, वे निराश हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर से पिछले साल अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पथराव की घटनाओं में कमी और अलगाववादी नेताओं की लगातार धरपकड़ से केंद्र शासित प्रदेश में हिंसा में लगातार कमी आने के प्रमुख कारक हैं। वहीं अगली खबर, कश्मीर की खूबसूरत वादियों में आतंक का जहर घोलने वालों के खिलाफ स्थानीय लोगों के बलिदान और जज्बे की कई कहानियां यहां सुनने को मिलती हैं। स्थानीय पुलिस के जवान से एसआई बने गुलाम रसूल खान की कहानी भी आतंक के खिलाफ जज्बे की कहानी है। रसूल बताते हैं कि आतंक से लड़ते हुए उनके परिवार के 12 लोगों की जान चली गई, लेकिन ना ही उनके परिवार ने हिम्मत हारी है। कुपवाड़ा में उनका गाँव औरा आतंक के खिलाफ लड़ाई की मिसाल बन गया। इस गांव में ज्यादातर लोग फौज और पुलिस में हैं। रसूल ने बताया कि 90 के दशक से लगातार उनके 3 चाचा, सगे भाई, बहन, फूफा, मौसेरी बहन सबको आतंकियों ने निशाना बनाया। एक भाई की तो डेड बॉडी भी नहीं मिली। आतंकी चाहते थे कि उनका परिवार आतंकियों के खिलाफ प्रशासन को सहयोग ना करे। उसने पुलिस की नौकरी छोड़ने को कहा गया। रसूल गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। जब हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान में कश्मीर का विलय कर लिया, तो हम किसी भी ऐसे व्यक्ति की खिलाफत करेंगे जो देश के खिलाफ काम करे। धारा 370 के बारे में इनका कहना है कि हमें हर कदम में हिंदुस्तान के साथ रहना है, बस यहाँ के लोगों का भला होना चाहिए। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस में ऐसे कई रसूल हैं जिन्होंने खुद और उनके परिवार ने आतंक से लड़ते हुए बलिदान दिया है। यही लोग फौज और शासन प्रशासन की आतंकरोधी मुहिम की बुनियाद हैं।
दहशत फैलाने के लिए इनके परिजनों को निशाना बनाया जाता है। वहीं अगली खबर, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति के प्रेस सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक श्री मुर्मू को दिल्ली में कोई अन्य जिम्मेदारी एवं पद दिए जाने की संभावना है। श्री मुर्मू ने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के लिए ठीक एक वर्ष बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जीसी मुर्मू इस नए केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल थे। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किए जाने से पहले श्री मुर्मू वित्त मंत्रालय में सचिव पद पर कार्यरत थे। वहीं जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में मनोज सिन्हा को चुना गया है। भारतीय सेना ने पहली बार अपनी महिला सैनिकों को नियंत्रण रेखा LOC पर तैनात किया। असम राइफल्स की ये महिला सैनिक जम्मू कश्मीर में LOC पर ऐसे समय में तैनात की गई हैं जब चीन और भारत के बीच तनाव बना हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से भी सीज फायर उल्लंघन और घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। LOC पर तैनात भारतीय सेना की महिला सैनिकों का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। लोग महिला सैनिकों को सलाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप पर गर्व है। कई लोगों ने लिखा, हमारी रक्षा रक्षाबंधन का सही मायने बता रही है महिलाएं सैनिक। बता दें कि इससे पहले बकरीद पर महिला सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में वहां की स्थानीय महिलाओं को फल और मिठाई बांटी थी। महिला सैनिक LAC पर पहले भी पेट्रोलिंग किया करती थी, लेकिन इससे पहले उनकी तैनाती कभी नहीं की गई। वहीं अगली खबर, रियलमी ने अपने फोन C11 को बुधवार से फिर फ्लैग सेल शुरू की है। यह सेल रियलमी की ऑफिशियल वेबसाइट और फ्लिपकार्ट पर शुरू की गई है। इसके साथ ही फोन पर ऑफर भी दिए जा रहे हैं। इस फोन को सिर्फ एक ही वेरिएंट 2GB रैम प्लस 32GB के साथ कंपनी ने पेश किया गया है। इस फोन का प्राइस 7,499 रुपए है। माइक्रो SD कार्ड लगाकर इसकी स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है। अच्छे फीचर्स होने और कीमत ज्यादा नहीं होने से इस फोन की डिमांड है। इसकी पहली सेल में सिर्फ एक मिनट में 1.5 लाख यूनिट की बिक्री हुई थी। फ्लिपकार्ट से फोन खरीदते समय आप यदि एक्सिस बैंक वज क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 10% की छूट मिलेगी, जबकि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से फोन खरीदने पर 5% का कैशबैक मिलेगा। स्पेशल प्राइस के तहत पर 1500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट दी जा रही है। इस फोन में 6.5 इंच प्लस HD प्लस 720x1600 पिक्सल डिस्प्ले है, जिसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 के साथ आता है। साथ ही इसमें 2.3 GHz एक्स्ट्रा कोर मीडिया टेक हीलियो G35 प्रोसेसर दिया गया है, जिसमें डुअल रियल कैमरे सेटअप है, जिसमें 13 MP के साथ 2 MP सेकेंडरी कैमरा भी है। साथ ही 5000 mAh बैटरी दी गई है। कंपनी दावा कर रही है कि इस फोन की बैटरी 40 दिन के स्टैंड बॉर्ड टाइम के साथ आती है। वहीं अगली खबर, अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के साथ ही कालों के काल बाबा महाकाल ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का रूप धर लिया। इस अद्भुत दर्शन के साथ ही महाकालेश्वर मंदिर में चारों तरफ दीप प्रज्वलित किए गए। अयोध्या में 900 किलोमीटर दूर धार्मिक नगरी उज्जैन में भी श्री राम मंदिर के भूमि पूजन का उत्साह देखने को मिला। भगवान महाकाल के दरबार में बुधवार को हरि और हर का मिलन हुआ। भगवान श्री राम विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इस प्रकार महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल ने संध्याकालीन आरती में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का रूप धारण किया। इस अद्भुत नजारे को देखकर वक्त भी अभिभूत हो गया। इसके अलावा महाकालेश्वर मंदिर के नंदी हाल में दीपक जलाए गए और जय श्री राम का नारा भी लिखा गया। महाकाल मंदिर के पुजारी प्रदीप गुरु ने बताया कि भगवान श्री राम का उज्जैन से गहरा नाता रहा है। श्री राम वनवास के दौरान भी उज्जैन आए थे। इसके अलावा भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के संघर्ष में भी उज्जैन का उल्लेख बार बार मिलता है। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के साथ साथ चिंतामण गणेश मंदिर में भी राम मंदिर की झलक देखने को मिली। बुधवार को जो आकर्षण श्रृंगार किया गया उसमें भगवान इच्छामण चिंतामण के साथ भगवान श्री राम भी विराजित नजर आए।
वहीं अगली खबर, लगभग 500 सालों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभ मुहूर्त पर रजत शिलाओं में भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। इस प्रकार राम मंदिर का संकल्प पूरा हुआ। इस दिन को लोगों ने महोत्सव की तरह मनाया। सभी भारतीयों ने राम मंदिर के भूमि पूजन के दिन अपने घरों में दीपक जलाए। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखते ही पूरे भारत के हिंदुओं के मन में खुशी की लहर दौड़ गई, जिसके चलते सिर्फ राम की नगरी अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के लोगों ने खुशी से अपने अपने घरों में दीपक जलाए। इस तरफ शंख ध्वनि के साथ हर किसी के मुंह पर बस जय श्री राम का नारा था। पूरा देश राम नाम में गूंज उठा था। 5 अगस्त की शाम सभी भारतवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का सम्मान करते हुए अपने अपने घर के बाहर बालकनी या छतों पर दिए मोमबत्तियां जलाई। इन कुछ मिनटों के लिए भारत का हर एक व्यक्ति एक साथ था। ना कोई नेता था, ना कोई राजनेता और ना ही कोई आम आदमी। सब एकजुट होकर अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की खुशी का महोत्सव मना रहे थे। वहीं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर दीप प्रज्वलित और आतिशबाजी करते हुए नजर आए। उनके अलावा कई और नेता और राजनेता ने भी दीप प्रज्वलित किए। इस दिन की शाम ने जैसे देश में मानो दिवाली का माहौल बना दिया हो। सवार डेली हंट डेली हूँ। धन्यवाद द डॉन एक्सप्रेस।